अभी चलते हैं बाबा बैद्यनाथ धाम, क्योंकि वहाँ गाड़ी पूरा पहुँचता नहीं है, तो हम लोग को जाना होगा कहाँ पर, पटेल चौक से पैदल जाना है। टुक टुक बैठ गए हैं गाइज, और टुक टुक यहाँ से हम लोग अभी पैदल निकलेंगे गाइज, तो वीडियो बने रहें और देखते रहें कि नगरी बाबा के पास आपको ले चलेंगे। हमारा एंट्री बाबा धाम की ओर, और अभी हम लोग चल चुके हैं। टाइम होगा, दिल और दिमाग और शरीर में पूरा जोर मिल रहा है गाइज, अभी चल दिया आपको ले चलते हैं, पूरा बाबा धाम का सैर कराते हैं, वीडियो बने रहे। तो हम तेज़ी से बढ़ते हैं और पहुंच जाते हैं आपका मंदिर के पास, और यहां पर देख सकते हैं मन्नत के लिए क्या नहीं किया जाता है गाइज, आप देख सकते हो। तो गाइज बाबा पाने के लिए देख सकते हैं कितना संघर्ष करना पड़ता है, और गाइज श्रद्धालुओं का भीड़ देखते हुए यहां पर प्रशासन बहुत ही मुस्तैद और बहुत ही ज़बरदस्त हैं, और बहुत ज़्यादा भीड़ है। भीड़ को देखते हुए आप देख सकते हैं हम लोग बढ़ते हैं धीरे धीरे, और बढ़ते हुए लगभग पहुंचने वाले हैं गाइज। बहुत ज़्यादा भीड़ रहता है, श्रद्धालुओं के इतना ज़्यादा भीड़ देख के मन में और बहुत ज़्यादा भगवान के प्रति और श्रद्धा भक्ति बढ़ जाती है, और देख सकते हैं हम पहुंच गए हैं। तो गाइज फाइनली पहुंच गए हैं मंदिर, देख सकते हैं ये रहा आपका। जो आपको ये मंदिर दिख रहा है मेन मंदिर यही है, और यहाँ से एक धागा वहाँ पर जा रहा है, यहाँ से वो धागा आप लेके वहाँ पर अपना मन्नत मांग के अगर लगाते हो तो ये शायद मन्नत पूरा होता है गाइज। ये बहुत ही ज़्यादा भीड़ है, तो गाइज ये रस्सी कोई और लगा रहा है, उसको साथ में हम लोग अपने मन्नत के लिए लगा रहे हैं, साथ में हाथ बटा रहे हैं, और ये देख सकते हैं इतना बड़ा लंबा धागा रहता है कि वो मेन मंदिर से लेके ये दूसरे मंदिर में इसको बांध दिया जाता है, इसके भी कुछ चार्ज। यहाँ पे फूल बहुत ही अच्छे लग रहे हैं, बहुत ताज़ा कलर रंग बिरंग के फूल यहाँ मिल जाते हैं आसानी से, 10 रुपये करके दोना में दिया जाता। सो गाइज फाइनली निकल रहे हैं गाइज, वीडियो कैसा लगा तुम्हें बताइएगा, क्योंकि बहुत भीड़ भाड़ है और जितना ये लोग कसरत करते हैं उतना हम सकेंगे नहीं। सो भाई प्लीज़ वीडियो देखो और एक बार कमेंट में लिखो जय भोलेनाथ। वीडियो लगा अच्छा तो सिर्फ लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। पेड़ा ताज़ा चाहिए, पेड़ा सामने ही गेट के सामने मिल जाएगा आप लोग को। हाँ दुकान का थोड़ा सा दिखा दीजिए ना। तो गाइज ये बताना चाहेंगे रूपा फाउंडेशन की तरफ से आप सभी कांवड़ियों के लिए उत्तम व्यवस्था यहाँ पर किया जाता है, जो बस स्टैंड के जस्ट बगल में है। आपको यहाँ पे फर्स्ट एड से लेके सारा व्यवस्था, यहाँ तक कि आपको पैर का मसाज और बैठे सोने के लिए पूरा उत्तम व्यवस्था यहाँ पे किया गया है रूपा फाउंडेशन की तरफ से। ये रूपा फाउंडेशन का बहुत ही अच्छा उत्तम कार्य है, आप देख सकते हो खाने में कितना स्वादिष्ट भोजन है। सो गाइस कैसा लगा बाबा धाम जरूर बताइएगा, और इसके साथ बस स्टेशन बैठते हैं और घर निकलते हैं, और प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर करेगा।